10 साल से इंतजार, सुविधाओं का घोर अभाव, खंडहर बन रही ग्राम कचहरी, बदहाली का अंबार। जब पैसे का कर लिया बंदर बांट तो कैसे होगा विकास? सरकारी पैसे का ऐसा बंदर बांट हुआ कि यह पंचायत भवन 10 साल से सुविधाओं का इंतजार करते करते खंडहर में तब्दील हो गया। स्थानीय जिला परिषद मोहम्मद गुलजार बताते हैं कि इस पंचायत भवन के लिए जो सरकार ने राशि आवंटित की थी उसका जन प्रतिनिधियों ने बंदर बांट कर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बारसोई के लगवादास ग्राम पंचायत का भवन बदहाल हो गया। हालत ऐसी है कि वहां बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है। कल हो चुका इसका तो 10 साल में ये बन के रेडी नहीं हुआ कि ये जो स्कीम है जिस मुखिया के कार्यकाल में हुआ था ये रुपया गमन कर लिया, इसी कारण आज ये खंडर बना हुआ। खुद अपने आप से भी आप देख रहे हैं कि पंचायत का क्या हालत है, ना इसका कोई दरवाज़ा है ना खिड़की है, कुछ नहीं है, इस पैसा का बंदर बांट हो गया है। पंचायत भवन कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। जब इसका निर्माण शुरू हुआ था तब स्थानीय लोगों में इस बात की खुशी थी कि अब प्रशासन का पहुंच उन तक और ज्यादा आसानी से होगा, लेकिन ये सपने ढाक के 3 पात साबित हुए। पंचायत में ये जो खंडर पड़ा हुआ आज से नहीं 8-10 साल से पड़ा हुआ है, आज तक कोई इसका देखने के लिए या कोई हिसाब लेने के लिए या कोई आगे बढ़ाने के लिए ठीक करने के लिए आज तक कोई नहीं सोचा है ना बोला है कोई, ये क्यों पड़ा है कैसे पड़ा है, ना कोई बार से ब्लॉक से कोई यहाँ ऑफिस आया है ना कोई बैठ रहा है। यहाँ का लोग परेशान है कुछ कहने के लिए, कुछ आपत्तिजनक के लिए, लेकिन कोई बात किसी का सुनना ही नहीं आ रहा। यहाँ का ऑफिस में आज तक कोई ताला नहीं खोलता है। जो भी पंचायत ऑपरेटर है हमारे पंचायत के, पंचायत में हमारे ड्यूटी नहीं होता है, इस कारण से हमारे पंचायत से जुड़े जो भी आम जनता की समस्या होता है कि उसको उस समस्या का निदान के लिए प्रखंड जाना पड़ता है, जबकि हमारे पंचायत से प्रखंड की दूरी 15 किलोमीटर है, आदमी को जाने आने समस्या होती है। और जबकि वकायदा यहाँ पंचायत में ऑपरेटर दिया गया है तो इस ऑपरेटर जो है हमारे पंचायत में आगे ड्यूटी करेंगे। सरकारी पैसे की जिस तरह बर्बादी हुई और चंद लोगों ने अपनी जेब गर्म की उसके कारण आज लोग परेशान हो रहे हैं। जो काम उनके पंचायत में हो जाता उसके लिए उन्हें ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता है। अगर पंचायत भवन में सुविधाएं बहाल की गई होती तो आज लोगों को समस्याओं से 2-4 नहीं होना पड़ता। मोहम्मद मिनारोल, टाइम्स न्यूज, बारसोई।